हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हो रहा था मॉर्निंग का समय और अभी सुबह सुबह के 8 या 9 ऐसे करीब हो रहे होंगे। और मैं सुबह के मॉर्निंग रूटीन सारे ख़त्म करके और मैंने कपड़े भी बहुत सारे वॉश किए थे। ये सारे कपड़े मैंने हाथों वॉश से वॉश किए हैं, मशीन में नहीं, क्योंकि ये हाथों से ही धुलते हैं। मशीन में डालने से सारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि देख सकते हैं कितने मतलब कि नाग सीसा वगैरह ये सब लगाए हुए रहते हैं ये सब। और साड़ी तो वैसे भी मैं हाथों से ही धोती हूँ, तो अभी मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए थे और फिर मैं भी नहा भी ली थी। और फिर नहाने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे छत पे कपड़े डालने के लिए। और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बस मैं नहा के और जस्ट पूजा करके ऊपर में सोचा कि धूप है तो अभी सारे कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि बारिश होने का कोई गारंटी नहीं है, कभी भी आ सकती है बारिश। और फिर यही कपड़े मैंने डाले थे ना, तो मुझे 2 या 3 बार ऐसे करके आने पड़े थे छत पर, क्योंकि तुरंत तुरंत ही बारिश हो जा रही थी। मौसम ऐसे अभी ठीक है, बट ऐसा होता है ना, कभी धूप कभी छाया ऐसे हो जाती है ना, तो फिर इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करे। और बार बार छत पे चढ़ने उतरने से जानते ही हैं कि कितनी परेशानी होती है, बार बार चढ़ना, फिर कपड़े लाओ, फिर जाके फैलाओ, फिर लाओ, ऐसे हो जाता है। और मुझे 2-3 बार ऐसे करना पड़ा था इस दिन। और अभी देख सकते हैं, अभी मैं सारे, अभी तो ठीक मौसम किया है देख सकते हैं। और पीछे जो अभी पीछे साइड देख रहे हैं मेरे, यहाँ पे आगे, और कितना सुंदर लगता है यहाँ पे ना, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ग्रीन ग्रीन, तो अभी सारे जितने भी तार मैंने अभी बांधे हुए थे ना, तो सारे में अभी मैं कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि सारे ये भर जाते हैं। और मैंने ही ये सारे तार बांधे थे, क्योंकि इतने सारे कपड़े हो ही जाते हैं मेरे, पता नहीं, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करती हूँ ना, ऐसे एक दिन जब गैप कर देती हूँ, एक दिन भी कपड़े में वॉश नहीं करती हूँ, तो बहुत मतलब ये सारे जितने भी हैं सब भर जाएंगे एक दिन भी नहीं। और अभी बहुत ही ज़्यादा धूप थी, इतनी सुबह सुबह हो रही थी फिर भी बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पे। और मैंने अपने बाल को वॉश किया था ना, तो फिर उसमें मैंने तौलिया भी नहीं लगाया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी ना कि धूप से ही मेरे बाल के पानी मतलब कि सारा सूख गए थे। बस इसको मुझे कॉम्बिंग करना था, उसके बाद फिर ये पूरा सूख जाता। तो अभी मैं ये सारे साड़ियों को फैला दे रही हूँ यहाँ पे। और फिर नीचे भी जाके मुझे लंच बनाने की तैयारी करनी है, और फिर ब्रेकफास्ट भी मुझे करना है। ऐसे तो बच्चे लोग को नहला दिया है और वो लोग कर लिए हैं ब्रेकफास्ट, बट मैं अभी नहीं की हूँ और मेरे हस्बैंड जी भी अभी ब्रेकफास्ट नहीं किए हैं। तो अभी सारे कपड़े फैला लेंगे फिर उसके बाद। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी देखिए कपड़े डाल दिए हैं मैंने, इतने धोए थे तो सारे मैंने डाल दिए हैं। और अभी बहुत काफ़ी ज़्यादा धूप है और मतलब धूप हो रहा, छाया हो रहा, बहुत कड़ी धूप अभी की है, तो सूख जाएगा 2-3 घंटे में। और अभी मैंने बाल वॉश किए हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है, चलिए नीचे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा है गर्मी, इतने सारे कपड़े मैंने डाल दिए। छत से आने के बाद यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पे लग गई अपने लंच की तैयारी करने के लिए। और यहाँ पे जब मैंने लिया ही था, बहुत सारे साग लिए थे, तो ये था मूली का साग, तो उसको मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही थी, अच्छे से साफ़ करके देख रही थी कीड़े वगैरह तो नहीं है। और इधर भी देख सकते हैं गेंहारी साग पड़ा हुआ है, बट गेंहारी साग तो आज मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मैंने कल ही बनाया था गेंहारी साग, तो डेली डेली अच्छा भी नहीं लगता है। कोई भी चीज़ अगर आप डेली डेली खाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो मूली के पत्ते होते हैं, तो उसी की रेसिपी मैं अभी बनाने जा रही हूँ, और फिर मूली की भी रेसिपी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं जो मूली का साग है ना, तो उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और फिर इसको मैं उबाल लूँगी पानी से धोकर, और इसको उबाल लूँगी और फिर उबाल कर और फिर उसकी मैं चटनी बनाऊँगी। ऐसे इसकी जो होता है ना झोर, वो भी बनता है, पर अभी मैं इसकी चटनी बनाऊंगी, तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये चावल के साथ खाने में। अभी हो रहा है दोपहर का समय और अभी मैं लंच बना रही हूँ, और लंच में मेरा चावल बन गया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो मूली के पत्ते होते हैं उसकी चटनी, तो उसमें मैंने मूली के पत्ते को उबाल लिया था, और फिर उसके बाद में उसमें धनिया के पत्ते ऐड की,
और उसके बाद फिर मिर्च और लहसुन और अभी नमक और ये मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ और इसको पीस लूँगी। और इधर मैं नीचे में बना रही हूँ आलू और मूली की भुंजिया, तो आज सिर्फ मूली रेसिपी हो जाएगी लंच में। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड, गांव में तो बहुत ही ज़्यादा ये रेसिपी बनती है क्योंकि गांव में उतना दाल वगैरह नहीं खाना पसंद करते, ग्रीन सब्जी ही, तो ये रेसिपी बहुत ही बनती है और चावल के साथ जाती है। ये चटनी बन के हो गया है रेडी, एकदम ग्रीन ग्रीन और चावल के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप लोग पत्ते फेंक देते होंगे और बहुत कोई बनाते भी है, साग भी बनता है इसका, मूली के पत्ते का। बट मैं अभी चटनी बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने ये काबली चने डाले हैं, छोले वाले जो चने होते हैं वो डाले हैं फूलने के लिए। और इसकी रेसिपी बनाऊंगी डिनर में यानी शाम को। और यहाँ तो कहते हैं, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मूली और आलू की भुंजिया, तो इसको मैंने राउंड राउंड शेप में काटा है, देख सकते हैं इसको राउंड राउंड शेप में मैंने काट दिया। उसकी भुंजिया भी बना लूँगी, तो यही हो जाएगा हम लोग का लंच। और हस्बैंड जी नहीं है आज घर पे और बेटी भी नहीं है, तो अभी इसकी हालत देख सकते हैं कैसे संयम है सिर घर। वो लोग दोनों किसी काम से गए हैं बाहर और अभी मैंने सुबह में नहाई ना, कुछ भी नहीं की नहाने के बाद, देख सकते हैं इसी तरह से बस सिंदूर लगाया है और इसी तरह से। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइट अभी आया है और संयम को मन नहीं लग रहा है अपनी बहन के बिना, श्रेया के बिना मन नहीं लग रहा है उसको, इसी तरह वो लेट कर और टीवी देख रहा है। तो अभी ये बना लूँगी, फिर वो लोग आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग लंच करेंगे। और देख सकते कितना पसीना चल रहा है मुझे, ये झट से बना लूँगी, ये हो जाएगा। तो इसकी रेसिपी तो पहले मैंने शेयर की थी, अब क्या शेयर करूँगी। देख सकते हैं इसको राउंड राउंड शेप में मैंने काटा है और इसको भून लिया, मैं भून लूँगी। और ये मैंने साग उबाला था ना, तो उस वजह से ये काला हो गया है, उसका पानी सूख गया तो फिर से इसी तरह काला हो गया। तो मैं एक ही गलती बार बार कर देती हूँ, ऐसा मैं क्यों करती हूँ, एक ही गलती को बार बार दोहरा देती हूँ। तो अभी ये फिर छुड़ाने में मुझे कितना मेहनत लगेगा, देख सकते हैं ये इसको छुड़ाने में कितना मेहनत लगेगा मुझे। अभी इसमें भुंजिया में सिर्फ नमक और हल्दी ऐड करूँगी, बस ये सिंपल सी भुंजिया भी हो जाएगी बन के रेडी।